दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज राशन उठाओ एवं सभी कार्डधारकों तक राशन पहुंचाने को लेकर के आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बैठक की। इस ऑनलाइन बैठक में उन्होंने सभी आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मई और जून के उठाव हो चुके हैं एवं सभी राशन कार्डधारियों को 5-5 किलोग्राम मई और जून का राशन का वितरण किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी कार्डधारकों को अनाज मिलेगा, वहीं अंत्योदय योजना के तहत 35 किलोग्राम अनाज लाभकों को दिया जाएगा। कोरोना महामारी संकट दूर करने के लिए किया जा रहा प्रयास। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में जब मरीज को डॉक्टर देखने आते हैं उस समय परिजन नीचे लगे सीसीटीवी कैमरे से अपने मरीज का हाल जान सकते हैं। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद अब मरीजों की देखभाल एवं उनके हर जानकारी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मरीज के परिजनों को मिल जाता है, जिससे परिजनों को काफ़ी राहत मिल रही है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आरटीपीसीआर जांच के लिए लंबी कतारों में लोग खड़े रहा करते थे, लेकिन विगत 4 दिनों से अब इसमें काफ़ी गिरावट आई है। अब इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं, जिन्हें बाहर यात्रा करना पड़ रहा है वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन पहुँच रहे हैं। यहाँ पैरामेडिकल के स्टाफ मोहम्मद अकील का कहना है कि अब इसमें काफ़ी गिरावट आई है। आरटीपीसीआर में 35-40 ऐसे आता था, अब कुछ कम हो गया क्योंकि जांच भी कम हो रहा है, तो अब है 6-7-8 ऐसे पॉजिटिव आ गए। दरभंगा में कोरोना के मरीज के परिजनों डीएमसीएच आइसोलेशन में रह रहे एवं होम आइसोलेशन में रह रहे परिजनों तक चित्रांश सेवा समिति लगातार सभी सदस्यों के सहयोग से घर घर तक बना हुआ खाना पहुंचा रही है। इसे लेकर लोग अब चित्रांश सेवा समिति के कार्यालय तक सामान लेकर के पहुंच रहे हैं ताकि कोरोना मरीज के परिजनों तक बना हुआ खाना मिल सके। ये सामाजिक कार्य में चित्रांश सेवा समिति आगे है। दरभंगा में संभावित आने वाले बाढ़ को लेकर के दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। इसमें कहा गया कि बाढ़ कार्य में लगाने वाले सभी कर्मियों को सबसे पहले टीकाकरण कराना सुनिश्चित कराएं। गौरतलब है कि बाढ़ क्षेत्र में सभी कर्मचारियों को लगाया जाता है बचाव एवं राहत के लिए, उन लोगों के लिए पहले टीकाकरण की बात दरभंगा डीएम ने की है। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ को लेकर के सभी सुरक्षा एवं पूर्व कार्यक्रम को लेकर के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सीओ को विशेष निर्देश जारी किया है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 26 बेड का आईसीयू बनना था, यहां एक बेड के आईसीयू पर ड्राई रन भी हुआ। एक मरीज को कोरोना वार्ड से लाकर कोरोना आईसीयू से इसमें शिफ्ट भी किया गया, लेकिन यहां ऑक्सीजन का सप्लाई में दिक्कत आने के बाद फिर वापस उस मरीज को कोरोना आईसीयू में भेज दिया गया। दुखद बात है कि डीएमसीएच का टेक्नोलॉजी इतना हाईटेक होने के बाद भी अधीक्षक के द्वारा आज तक 26 नया आईसीयू का निर्माण और मरीजों के लिए नहीं खोला गया, जबकि यहां लगभग सभी सामान उपलब्ध हो चुके हैं। डॉक्टर की नियुक्ति हो चुकी है, नर्स की नियुक्ति हो चुकी है, वार्ड बॉय नियुक्त हो चुके हैं, फिर आखिर आईसीयू क्यों प्रारंभ नहीं हुआ? अगर डीएमसीएच के आइसोलेशन का ये आईसीयू प्रारंभ हो जाता तो आज दर्जनों मरीज की जान बचाई जा सकती थी। अभी तक दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में मात्र 6 आईसीयू हैं, एक स्पेशल आईसीयू है जिसमें अभी जाप के संरक्षक पप्पू यादव का इलाज किया जा रहा है। लॉकडाउन में दरभंगा पुलिस इस बार कड़ाई से पेश आ रही है, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गाइडलाइन का पालन एकदम नहीं कर रहे हैं, बेवजह सड़क पर घूमते नजर आते हैं। दरभंगा में लोहिया चौक के पास सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का नज़ारा ये रहता है, उसके बाद भी कई लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं। एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा पुलिस आज करीब 40 लोगों का जुर्माना वसूली। गौरतलब है कि ये लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे थे, उनके पास बाहर निकलने का कोई कारण भी नहीं था। इसके अलावा करीब 10 लोग ऐसे थे जो बिना मास्क के धराए हैं, सभी से चालान काटा गया है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 100 मरीज है, यानी कि 20 बेड इस बार खाली है, काफ़ी दिनों के बाद बेड खाली नज़र आ रहा है। यहाँ के हेल्थ मैनेजर के अनुसार आज 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मधुबनी, एक समर्थीपुर और 2 दरभंगा के हैं।
हालांकि दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अब मरीजों का दबाव कम होने लगा है, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सामान्य हो गई है, ऐसी सूचना दी गई। दरभंगा के लिए काफी खुशी का विषय है, उत्तर बिहार में पहली बार दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान, जो प्रत्येक दिन 44 शवों को दाह संस्कार करती है, कबीर सेवा संस्थान को अमेरिका के एनजीओ के द्वारा अब इलेक्ट्रिक शव दागिरी दिया जा रहा है। इसे लेकर के दरभंगा नगर निगम ने एनओसी भी जारी कर दी है। इस संबंध में नवीन सिन्हा ने बताया कि दरभंगा डीएम और बिजली विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। विगत कई महीनों से कबीर सेवा संस्थान के द्वारा कार्य करने पर अमेरिका के द्वारा 70 लाख रुपये का यह शवदागिरी दिया गया है। इस कोरोना काल में सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना से संक्रमण से बचाने एवं ऑक्सीजन फेलोमीटर को लेकर के काफ़ी संकट की स्थिति डीएमसीएच में भी उपस्थित हो गई थी। इसे लेकर के मंत्री संजय झा के द्वारा अपने ऐच्छिक कोष से 51 फेलोमीटर दरभंगा स्वास्थ्य विभाग को दिया गया, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के दरभंगा डीएमसीएच तक में ऑक्सीजन फेलोमीटर की जो कमी होती थी उसे दूर किया जा सके। 91 फेलोमीटर देने के बाद डीएमसीएच में राहत नजर आ रही है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा के उप विकास आयुक्त से समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन के अलावा पंचायत सरकार भवन एवं पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इसके अलावा प्रखंड चिकित्सा केंद्रों में ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं तमाम आवश्यक वस्तुओं पर लेकर समीक्षा बैठक की। इस संबंध में दरभंगा के डीडीसी तनय सुल्तानिया ने दरभंगा में किए जा रहे पंचायती राज विभाग संबंधी कार्यों की विस्तृत जानकारी मंत्री सम्राट चौधरी को दी।